Assalamualaikum, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल 12th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th क्लास के उर्दू के कहकशा बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है इंशाइया क्या है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये पूरा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बिना स्किप किए पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा और हर एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मालूम रहेगा तभी तो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो लिख कर आएंगे ना। ठीक, तो इस चैप्टर के टाइटल देखकर आप लोगों को लग गया होगा कि हाँ आखिर इस चैप्टर में बताया क्या गया है। देखिए, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि इंशाइया किसे कहते हैं, क्या है इंशाइया, और इंशाइया की क्या क्या खसूसियत यानी कि क्या क्या विशेषताएँ हैं, किसको हम इंशाइया बोलेंगे, क्या कोई भी लिखी हुई चीज़ इंशाइया कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह अफसाना होता है यानी कि किस्सा कहानी लिखा जाता है, जिस तरह मतलब नज़्म लिखा जाता है, कविता लिखा जाता है, उसी तरह मतलब इंशाइया का भी लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग यही जानेंगे कि इंशाइया किसे कहते हैं, लेकिन आप इस चैप्टर को इंशाइया नहीं बोल सकते हैं। ये चैप्टर मज़मून है जो कि इंशाइया पर लिखा गया है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि इंशाइया किसे कहते हैं, क्या है इंशाइया, ना कि ये चैप्टर इंशाइया है। ध्यान में रखिएगा, चैप्टर कोई इंशाइया नहीं है, ये चैप्टर एक मज़मून है, निबंध है ऐसे जो कि इंशाइया पर लिखा गया है। जैसे कि समझाने के लिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर नज़्म यानी कि कविता के बारे में लंबा चौड़ा लिख दी कि कविता क्या है, किसे कहते हैं कविता, और कविता में क्या क्या खसूसियत यानी कि कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। लंबा चौड़ा एक मज़मून निबंध लिख दी कविता पर और उसका टाइटल दे दी कविता क्या है, तो क्या आप लिखे हुए को कविता बोलेंगे? नहीं, उस लिखे हुए को आप बोलेंगे मज़मून, क्योंकि मैं वहाँ पर कोई कविता नहीं लिखी हूँ। मैं तो सिर्फ ये लिख कर बताई हूँ कि कविता किसे कहते हैं, कविता की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो आप लिखे हुए को बोलेंगे ये एक निबंध है, मज़मून है। बिल्कुल उसी तरह ये जो चैप्टर है ये एक मज़मून है, ना कि कोई इंशाइया। ये निबंध लिखा गया है इंशाइया पर। ठीक है, ये चैप्टर कोई इंशाइया नहीं है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को डीपली जानना है इंशाइया के बारे में। ठीक, तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे। देखिए, इंशाइया क्या है, नाम के इस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि लेखक का नाम है वज़ीर आगा। याद रखिएगा, इंशाइया क्या है, नाम के इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, वज़ीर आगा। तो सबसे पहले इनके बारे में जानिए। देखिए, वज़ीर आगा तनकीद निगार भी हैं, एक शायर भी है और एक इंशाइया निगार भी है। तनकीद किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखिए, तनकीद का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान करना। अगर कोई राइटर है, कोई लेखक है, अगर वो कुछ भी लिखा है, चाहे वो कहानी लिखे, कविता लिखे, या फिर कोई मज़मून निबंध लिखे, तो उसमें क्या सही है क्या गलत है इसकी जाँच परख करके लिख कर बता देना ही क्या कहलाता है, तनकीद कहलाता है। और जो इंसान तनकीद लिखता है यानी कि जो इंसान सही गलत की पहचान करके उसको लिख कर बताता है, उसको बोलते हैं हम लोग तनकीद निगार। तो वज़ीर आगा जो है ना, इन्होंने तनकीद भी लिखा है, ये एक तनकीद निगार भी है। ठीक, आगे बढ़िए, ये एक शायर है यानी कि शेर व शायरी भी किए हैं, उसके बाद से ये एक इंशाइया निगार है। इस चैप्टर में तो आप लोग को समझना ही है कि इंशाइया किसे कहते हैं, तो उसके साथ साथ आप लोग को ये भी मालूम चल जाएगा कि इंशाइया निगार किसे कहते हैं। ठीक, तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगी इंशाइया का मतलब भी और इंशाइया निगार किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को मालूम चलेगा। अब ज़रा आगे बढ़िए, वज़ीर आगा की पैदाइश की बात कर लें तो इनकी पैदाइश जो है वो 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सरगोधा के वज़ीरकोट इलाके में हुई है। 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सरगोधा के वज़ीरकोट इलाके में, वज़ीरकोट इलाके में ये पैदा हुए, इसीलिए इनका नाम मतलब इनके रहने वाले स्थान के नाम पर ही रख दिया गया वज़ीर आगा। वज़ीरकोट के रहने वाले थे इसीलिए इनका नाम वज़ीर आगा रख दिया गया। ठीक, आगे बढ़िए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में पीएचडी भी किए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने तालीम हासिल की, पढ़ाई शिक्षा ले ली, और उसके बाद से वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में वो पीएचडी कर लिए। ठीक है, और उसके बाद से ये लिखना शुरू किए। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनका नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, जैसे कि देखिए, उर्दू अदब में तंज व मज़ा, उर्दू शायरी का मजाज, नज़्म जदीद की करवटें वगैरह वगैरह, इनकी ढेर सारी किताबें हैं। ठीक है, और इनके कुछ मज़ामीन के मजमूए भी हैं यानी कि निबंध के किताब भी हैं,
मज़मून का किताब, निबंध का किताब, जैसे कि तनकीद और एहतसाब, नए तनाजिर, मानी और तनाजिर, ये सब क्या है, इनके मज़मून के मजमू हैं, यानी कि निबंध का किताब है। और कुछ मशहूर तवील नज़्म भी इन्होंने लिखा है, यानी कि लंबा लंबा कविता भी लिखे हैं ये, जिसका नाम दिया गया है देखिए आधी सदी के बाद। ये इनकी तवील नज़्म है, यानी कि लंबा सा कविता है। और लफ्ज़ों की छागल, ये भी इनकी तवील नज़्म है, ठीक है। और इनके कुछ इंशाइया का मजमूआ भी है। इंशाइया किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम चलेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इन्होंने इंशाइया का किताब भी लिखा है, जिसका नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है चोरी से यारी तक, और दूसरा नाम है, दूसरा किताब का नाम है दूसरा किनारा, ठीक है। चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा, ये दोनों जो किताब है ये इंशाइया का किताब है, ठीक है। तो ये हो गया वज़ीर आगा के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग इंशाइया को समझ लेते हैं और इस पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए आगे समझिए। देखिए इंशाइया जो है ना वो एक नसरी सिंफ है, याद रखिएगा, इंशाइया जो है वो एक नसरी सिंफ है। अब यहाँ पर ज़रा समझ लीजिए कि नसरी सिंफ किसे कहते हैं। इंशाइया को मैं समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि आखिर नसरी सिंफ है क्या चीज़। देखिए सिंफ का मतलब होता है कैटेगरी, हिस्सा। दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा है शायरी यानी कि सिंफ शायरी, और एक होता है हिस्सा है नसर यानी कि नसरी सिंफ, ठीक है। दो हिस्सा होता है, दो सिंफ होती है, एक हिस्सा है शायरी और एक हिस्सा है नसर, ठीक है। जो चीज़ शेर व शायरी के अंदाज़ में लिखी जाती है, जैसे कि गज़ल को देखते हैं, गज़ल शेर व शायरी के अंदाज़ में लिखी जाती है। नज़्म यानी कि कविता, उसको भी शेर व शायरी के अंदाज़ में ही लिखा जाता है। मर्सिया को शेर व शायरी के अंदाज़ में लिखा जाता है। तो जो चीज़ें शेर व शायरी के अंदाज़ में लिखी जाती है ना, उसको हिस्सा शायरी में रख दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से जो चीज़ें आम बातचीत की तरह लिखी जाती है, आम बोलचाल, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं उस तरह लिखी जाती है, जैसे कि कहानी, देखें हम लोग जैसे बातें करते हैं उसी तरह लिखी जाती है कहानी, मज़मून यानी कि निबंध। तो जो चीज़ें आम बातचीत की तरह लिखी जाती है उसको हिस्सा नसर में रख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हिस्सा शायरी और हिस्सा नसर किसे कहते हैं। तो जो अफसाना है, मज़मून है, खाका है, ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्सा नसर की कैटेगरी में आ जाते हैं, सिर्फ नसरी सिर्फ के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इंशाइया भी जो है ना, ये भी आम बातचीत की तरह लिखा जाता है, ये कोई शेर व शायरी के अंदाज में नहीं लिखा जाता है, ये एक नसरी सिंफ है, यानी कि इसको भी मतलब आम बोलचाल की तरह लिखी जाती है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया। अब ज़रा समझिए कि इंशाइया किसे कहते हैं। देखिए इंशाइया को ना बिल्कुल मज़मून की तरह हम लोग लिखते हैं, लेकिन आप इंशाइया को मज़मून नहीं कह सकते। इंशाइया बिल्कुल निबंध ही की तरह लिखा जाता है, लेकिन इंशाइया को जो है ना आप मज़मून यानी कि निबंध नहीं बोल सकते हैं। गैर रस्मी तरीक़ाकार ही इंशाइया को दूसरी असनाफ़ अदब से मुमैज़ करती है, यानी कि इंशाइया का लिखने का तरीक़ा ही अलग होता है, और यही वजह है कि ये दूसरे कैटेगरी से बिल्कुल अलग है इंशाइया। जिस तरह अफसाना लिखा जाता है, नज़्म यानी कि कविता लिखा जाता है, मज़मून लिखा जाता है, खाका लिखा जाता है, बिल्कुल उससे अलग हटकर हम लोग इंशाइया को लिखते हैं, ठीक है। तो इंशाइया जो है ना, इसके लिखने का तरीका ही यूनिक होता है और एक अलग तरीका होता है, और इसीलिए दूसरे कैटेगरी से, अफसाना से, मज़मून से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ तक आप लोगों को इतना तो मालूम चल गया कि इंशाइया जो है ना वो बिल्कुल मज़मून ही की तरह लिखा जाता है, निबंध ही की तरह लिखा जाता है, लेकिन आप इंशाइया को मज़मून नहीं बोल सकते क्योंकि इंशाइया का लिखने का तरीका ही अलग होता है। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कब हम किसी भी लिखी हुई चीज़ को इंशाइया कहेंगे। क्या कोई भी लिखा हुआ मज़मून निबंध को हम इंशाइया बोल देंगे? जी नहीं। इंशाइया की कुछ खसूसियत यानी कि विशेषताएं होती हैं, जिसको जानकर हम ये पहचान कर सकते हैं कि क्या कोई भी लिखी हुई चीज़ इंशाइया कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। क्या कोई भी मज़मून लिख दिया गया है, मतलब निबंध लिख दिया गया है, तो क्या वो इंशाइया कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, इसको जानने के लिए, पहचान करने के लिए हमें इंशाइया की खसूसियत यानी कि उसकी विशेषताओं को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इंशाइया की कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, इंशाइया में ताजगी होनी चाहिए, ताजगी, ताज़ापन होना चाहिए। जो भी जिस चीज़ के बारे में अगर आप लोग इंशाइया लिख रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में आप लोग ताज़ा ताज़ा बातें करें, ठीक है। नया बात होनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को दो तीन दिन का सड़ा हुआ भोजन खाना दे दिया जाए तो आप लोग खाना पसंद करेंगे? जी नहीं। आप लोग को एकदम ताज़ा ताज़ा चाहिए, और ताज़ा ताज़ा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल उसी तरह इंशाइया में होता है, इंशाइया में भी ताजगी होनी चाहिए, ताज़ापन होना चाहिए। इंशाइया में वैसी बातें नहीं लिखी जाती है जो पढ़ने वाला इंसान पहले से जानता हो, वैसी पॉइंट, वैसी ताज़ा ताज़ा बातें लिखी जाती है जो पढ़ने वाला इंसान पहले से नहीं जानता हो, जो कारी
कारी मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, मान लीजिए मार्कर पर इंशाइया लिखा जाने लगा, तो मार्कर के बारे में वैसी बातें नहीं लिखिए जो कारी यानी कि पढ़ने वाला पहले से ही जानता हो, कुछ नया बातें लिखिए, ताज़ा ताज़ा बातें लिखिए जो पढ़ने वाला यानी कि कारी को पहले से नहीं मालूम हो। फूल के बारे में इंशाइया, देखिए जो इंशाइया लिखता है ना उसको इंशाइया निगार कहते हैं, तो वज़ीर आगा क्या है, एक इंशाइया निगार है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इंशाइया निगार जो होता है ना वो चारों तरफ ध्यान लगाए रखता है, कुछ नए बातें ढूंढने की कोशिश करता है। मान लीजिए फूल के बारे में लिखा जाना, फूल तो सब लोग जानते हैं कि हाँ ये फूल है, इसमें खुशबू होती है, लेकिन इंशाइया निगार होता है ना वो बारीकी से फूल को देखता है और उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर इसमें क्या नया चीज़ है जो लोगों लिख कर बताया जाए और लोगों में मतलब वो नई बात जानने को मिले। ठीक है, तो जब इंशाइया निगार, इंशाइया जो लिखता है, वो इंशाइया जब लिखेगा ना फूल के बारे में, तो फूल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएगा जो पढ़ने वाला इंसान पहले से नहीं जानता हो, मतलब ताजगी होनी चाहिए, नया बात, नया सोच होना चाहिए इंशाइया में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट खूबी, सबसे बड़ी खसूसियत, विशेषता बोल सकते हैं इंशाइया की, वो है ताजगी, नयापन, नया बात कीजिए। किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, किताब के बारे में लिख रहे हैं, तो किताब के बारे में तो सभी लोग पहले से जानते हैं, कुछ नया बताइए, कुछ नया लिखिए जो इंसान पहले से नहीं जानता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इंशाइया का, नयापन, ताजगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और देखिए इंशाइया का खालिक यानी कि इंशाइया को लिखने वाला इंशाइया निगार जो है वो उस शख्स की तरह होता है जो दफ्तर से छुट्टी के बाद घर पहुंचकर चुस्त सा लिबास उतार कर ढीले ढाले कपड़े पहन लेता है। ठीक है, इंशाइया जो निगार होता है, जो इंशाइया लिखता है, वो उस इंसान की तरह होता है जो दफ्तर से छुट्टी के बाद, अपने काम से छुट्टी के बाद, वो घर पर आकर चुस्त सा लिबास उतार कर, वो जो कोट पैंट पहना रहता है वो सारी चुस्त सा लिबास उतार कर ढीला ढाला कपड़ा पहन लेता है और फिर वो इंशाइया लिखने में बिजी हो जाता है, कुछ नया सोचने की कोशिश करता है। ठीक है, तंज व मज़ाह इंशाइया की इसनाफी खूबी है, तंज व मज़ाह, कमेंट इंशाइया की सबसे बड़ी खूबी है। आप बोल सकते हैं इंशाइया में वैसी बातें लिखी जानी चाहिए जिसको पढ़कर हंसी आए लोगों को, मतलब अंदर से कमेंट लिखने, मतलब हंसी आए, क्या लिखा गया है वाकई में इंशाइया, ऐसी बातें निकले अंदर से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से अदम तकमील इंशाइया की इम्तियाजी खसूसियत है, अदम तकमील यानी कि अधूरापन। आप लोग देखते हैं ना कोई फिल्म जो है लास्ट में ले जाकर अधूरा छोड़ दिया जाता है, जैसे कि बाहुबली पिक्चर आया था उसके लास्ट में क्या हुआ था, बाहुबली को कटप्पा ने मार दिया था, तो लास्ट में सभी लोगों के मन में, जितने भी इंडिया के लोग थे उनके मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो सभी पब्लिक के माइंड में यही सवाल उठ गया था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो देखिए ये फिल्म है उसको ले जाकर लास्ट में अधूरा छोड़ दिया गया है ताकि पब्लिक के मन में खुद से सवाल जेनरेट हो, वो खुद से सवाल करे कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बिल्कुल उसी तरह इंशाइया जो होता है उसमें भी अदम तकमील होता है, यानी कि इंशाइया को भी अधूरा लास्ट में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, इसका भी एंड नहीं किया जाता है ताकि जो पढ़ने वाला है, कारी है, वो खुद से सोचे आगे क्या हुआ होगा, और अलग अलग इंसान अलग अलग अपना अनुमान लगाएगा कि आगे इस तरह हुआ होगा, कोई बोलेगा कि आगे नहीं इस तरह होगा, तो मतलब जो पढ़ने वाला इंसान है वो अपना अनुमान लगाएगा कि हाँ आगे इस तरह हुआ होगा। ठीक है, तो अदम तकमील जो है वो एक तरह से इंशाइया की खसूसियत है, लास्ट में ले जाकर अधूरा छोड़ दिया जाता है इंशाइया को। आगे बढ़िए, इंशाइया की मजीद खूबी इख्तिशार भी है, इंशाइया को शॉर्ट में लिखा जाता है, शॉर्ट करके छोटा में लिखा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंशाइया निगार यानी कि इंशाइया लिखने वाले के पास लफ्ज़ों की कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंशाइया को शॉर्ट में लिखा जाता है ताकि जो पढ़ने वाला इंसान है, जो कारी है, उसको उकताहट महसूस ना हो, वो उगे नहीं पढ़कर, और इसीलिए इंशाइया को शॉर्ट में लिखा जाता है। नहीं तो इंशाइया लिखने वाला है वो कितना भी लंबा चौड़ा लिख सकता है, उसको क्या करना है, लेकिन इंशाइया को शॉर्ट में लिखा जाता है ताकि पढ़ने में मतलब पढ़ने में इंसान जो है वो उकताहट महसूस ना करे, जल्दी से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया इंशाइया की विशेषताएं, जिसको आप लोग जानकर मुझे लगता है कि अब आप लोग पहचान कर सकते हैं कि क्या कोई भी लिखी हुई चीज़ इंशाइया है कि नहीं है। बस आप लोग को ध्यान देना है कि उस लिखी हुई चीज़ में ताजगी है कि नहीं, नयापन है कि नहीं, कुछ नया बात की गई है कि नहीं, और उसके बाद से तंज व मज़ा होना चाहिए उसमें। ठीक है, कमेंट होनी चाहिए, पढ़ने में थोड़ी हंसी आए, खुशी, खुशगवार ताजगी महसूस होनी चाहिए, और उसके बाद से अदम तकमील यानी कि अधूरापन होना चाहिए। इंशाइया को लास्ट में ले जाकर अधूरा छोड़ देना होता है, तो देखिएगा उसमें अदम तकमील है कि नहीं, अधूरापन है कि नहीं, और उसके बाद से मजीद खूबी इख्तसार है, उसमें शॉर्ट लिखा गया है कि नहीं, वो इंशाइया को शॉर्ट करके।
तो यह है इंशाया की विशेषता है। तो आई थिंक आप लोगों को इंशाया समझ में आया कि इंशाया किसे कहते हैं और इंशाया की विशेषताओं को आप लोग समझ गए होंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाना मत भूलिएगा। घंटी पर जब आप लोग क्लिक करेंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।